चलो कौन सा फ्लेवर? आलमंड क्रिस्प। ओके इसे जल्दी से अनबॉक्स कर, टेस्ट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इट इज करेंटली 5:15 इन द मॉर्निंग। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं जिम जाने के लिए एकदम से रेडी हो चुका हूँ। तो फिर चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, तो अभी मैं जिम पहुँच गया हूँ। तो आज फुल डे है। बेसिकली मैं अपना बैक, ट्रैप्स और बाइसेप्स ट्रेन करने वाला हूँ। और चलो चलते हैं। अभी थोड़ा आराम लग रहा है एसी ऑन करके बैठने के बाद, क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। वैसे अब टाइम 10 AM है। वैसे मैं घर 8:15 तक तो पहुंच गया था और बहुत ही ज़ोरों से भूख लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी से नहाने के बाद मैंने सीधा अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, जो कि मैंने वही यूजुअल लिया ब्रेकफास्ट लिया था, जो कि ओट मील है। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो आज वैसे भी छुट्टी है यहाँ चेन्नई में, तमिल न्यू ईयर के अवसर पर गवर्नमेंट हॉलीडे है, काम पर भी छुट्टी है और ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, इसलिए आज थोड़ा आराम करूँगा। ओके गाइस, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन अब लंच करने का टाइम हो चुका है। चलिए देखते हैं लंच पे क्या है। राइस, आलू की सब्जी और फिर सम ग्रीन वेजिटेबल और एग करी। ठीक है था, हेलो। तो फिर मैं इसे जल्दी से ख़त्म करता हूँ और फिर से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपना लंच कर लिया है और अभी कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो फिर चलो फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा है उसे निकालते हैं। चलो कौन सा फ्लेवर? आलमंड क्रिस्प। ओके ठीक है, चलो फिर देखते कितना आइसक्रीम बचा है। ठीक है, तो बहुत आइसक्रीम बचा है। मैं बड़ा हूँ इसलिए बड़ा वाला मेरा, वो छोटी है इसलिए छोटे उसका। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। चलो मैं जल्दी से इसे खत्म करता हूँ। ओके
Okay guys, so I'm done. Let's get back. Key. Key. No, no, tu nahi ja. चलो अब रूम में चलते हैं। चलो ओके गाइस, तो अभी टाइम थोड़ा 5:18 हो रहा है, तो और मैं अपना लैपटॉप में एडिटिंग वर्क कर रहा था। अब थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो फिर चलो कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। खाने से पहले धो लेते हैं। चलो ओके, तो फिर चलो गाइस, मैंने एप्पल भी काट लिया है, तो फिर जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ और फिर से एडिटिंग वर्क भी करना है, तो फिर चलो। ओके गाइस, तो मुझे अभी अमेज़ॉन से एक पार्सल मिला है, जिसमें मैंने एक वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर अपने बाइक के लिए मंगवाया था, तो फिर चलो इसे जल्दी से अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलो तो फिर जल्दी से इसे ओपन करते हैं। वाटरप्रूफ मोबाइल माउंट, वाटरप्रूफ मोबाइल फोन माउंट, एलोफिन गियर्स। सो दिस इज हाउ, ओके, सो ऐसा कुछ दिखता है। वैसे इसका MRP यहाँ पर है 3499, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से 1900 rupees में परचेस किया है। तो फिर चलो इसे जल्दी से ओपन करते हैं। ओके, सो वी गेट दिस थैंक यू कार्ड। अच्छा लग रहा है ऐसा देखकर। ओके, तो यहाँ पर है इसका मेन यूनिट। ये है वाटरप्रूफ केस, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल डालेंगे तो ये 7 inch का मोबाइल तक सपोर्ट करता है। और इसमें यहाँ पर दिया है क्विक लॉक मैकेनिज्म, तो चलिए खोल कर देखते हैं। वैसे यहाँ से एक लॉक, अरे बहुत टाइट, टू एंड देन थ्री। ओके, इससे पता चल गया कि ये तो बहुत ही सिक्योर रहेगा। और फिर ऐसे ओपन करके आप यहाँ पर अपना फ़ोन डाल सकते हैं। उसे आप देख सकते हैं ये ऐसा दब रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेगा अपना शॉकर की तरह। जैसे अगर जबकि उबड़ खाबड़ रोड में जाएंगे तो ये दबकर अपना वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अपने मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ही आता है, तो आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलो इसे साइड में रखते हैं, फिर बॉक्स में और क्या क्या है देखते हैं। ये तो एक एलन की है, और फिर सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर लगा कर तो फिर आप अपने बाइक के हैंडल बार पर सिक्योर कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ टूट जाए तो ये गिरेगा नहीं, तो ये
आपको फोन को बचा लेगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट ओके सो मुझे लगता है 25 mm डाया है, और यहाँ पर ऑलरेडी उन लोगों ने 22 mm डाया का ये रबर शॉक यहाँ पर लगा कर रखे है, और ये 12 mm का है। ये आपका मिरर या फिर कुछ भी पतले रॉड में लगाने के लिए, और ये आपके हैंडल बार के विथ के हिसाब से लगाने के लिए, ठीक है। वैसे क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है, इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम स्टफ। हाँ ये क्विक लॉक, वैसे 360 डिग्री रोटेटेबल भी है, तो यहाँ से आप खोलेंगे, लूज करेंगे, टाइट, ओके। तो फिर चलो गाइस, तो हम इसका टच कंपैटिबिलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन है, तो इसे आप देख सकते हैं कैमरा इस तरफ, और अभी टेस्ट कर लेते हैं। चलो कुछ टाइप करके देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पहले हम अपने हैंडल बार पर लगा कर देखते हैं। वैसे इसे लगाने के लिए पहले इसको ऐसा लूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकाल कर इसको निकालना पड़ेगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर माउंट हो जाए, तो इसलिए मैं ये 12 mm डाया का स्पेसर यूज़ करूँगा। चलो इसको यहाँ पर लगाते हैं। अंदर चला गया लगता है, और इसको कैसा, हाँ इसको, तो इसको लगाने से पहले चलो लूज कर लेते हैं इसको। वैसे 360 डिग्री रोटेटेबल भी है, इसको अब लूज करके इसको टाइट ऐसे करना है, तो लूज करना है, तो यहाँ पर रख कर चलो अब इसको लूज कर चुका हूँ, और थोड़ा लूज करना पड़ेगा। ओके अब लूज हो गया है, फिर चलो ऐसा लग यहाँ पर रख कर ऐसा लग कर ओके गाइस, तो अब इसको इंस्टॉल करने के बाद तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो मैंने इस डैम्पर में इंस्टॉल किया है इसको, और 12 mm का स्पेसर जो आता है उसको यूज़ करके, तो आप चाहिए तो ऐसे भी माउंट कर सकते हैं, और फिर इसको दबा कर ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये 22 mm का स्पेसर जो आता है इसको यूज़ कर यहाँ पर हैंडल बार पे भी माउंट कर सकते हैं।
Okay guys, so that is it for today. I hope you enjoyed the video. If you do, please do hit the like button and comment below. And if you're new to this channel, do subscribe. So that is it for today. I'll meet you in the next one. Until then, be safe, ride safe. Bye. Hey. Oh. Okay.